वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मंगलवार को गौरेला में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर छक्के पूर्व सीएम रमन सिंह और ईडी कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर ईडी के गलत इस्तेमाल होने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने चिटफंड कंपनी घोटाले को लेकर भी छक्के पूर्व सीएम रमन सिंह पर बड़ा हमला बोला है और ईडी से चिटफंड कंपनी घोटाले की जांच की मांग की है। लगातार ये लोग कोशिश कर रहे हैं, न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में, चाहे वो दिल्ली की बात करें, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, चाहे अन्य, चाहे तमिलनाडु की बात करें, सब जगह इसी प्रकार से कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में क्यों नहीं होता, एक 8 साल में एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता खिलाफ सेंट्रल एजेंसी ने कार्रवाई की हो तो बताए क्या ऐसा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब विपक्ष में रहते हैं तो सारे ईडी आईटी सीबीआई सब लग जाता है, और जैसे वो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करते हैं, चाहे वो नारायण राणे हो, चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे मुकुल राय हो, ये सब दूध के धुले हो जाते। अब ये है कि पैसा तो बहुत कम आया, राजनांदगांव में कुछ पैसा दिला पाए, कुछ रायपुर में, धमतरी में, बिलासपुर में हम लोग वापस करा पाए, लेकिन इसका मतलब यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। मैं कहता हूं कि इसी एक केस को ईडी हाथ में ले छत्तीसगढ़ के, और जितने अब इन्वेस्टर का पैसा तो लग गया है, जो डायरेक्टर हैं, जो कंपनियां हैं, वो कहाँ इन्वेस्ट किए, और ये जो ब्रांड एम्बेसडर बने हुए थे रमन सिंह और सुपुरा परिवार, उनसे पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर वो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ कहाँ। तो ईडी कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर हमला बोला छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने, ईडी कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर हमला बोला, बीजेपी शासित राज्य में कार्रवाई नहीं करती ईडी, ईडी कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए नजर आए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। चिटफंड घोटाले को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा रमन सिंह को, बताया चिटफंड कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर। तो सीएम भूपेश बघेल ने की ईडी जांच की मांग और बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। बीजेपी शासित राज्य में कार्रवाई नहीं होती, ईडी कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। लगातार ईडी को लेकर, सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करने को लेकर बीजेपी पर आरोप लगते रहे हैं। रमन सिंह को बताया चिटफंड कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, ईडी कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर हमला बोला, बीजेपी शासित राज्य में कार्रवाई नहीं करती ईडी, ईडी कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर बोला हमला, चिटफंड घोटाले को लेकर छक्के पूर्व सीएम पर। राकेश, ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, जिस तरह से देखा जाए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ईडी कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते रहे और उसके साथ ही उन्होंने पूर्व सीएम पर भी निशाना साधा। जी निश्चित तौर पर, आज उन्होंने पेंड्रा में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वहां पे उन्होंने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर जमकर निशाना साधा और बताया कि जिस चिट फंड कंपनी में लोगों का पैसा डूबा है उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं रमन सिंह है और रमन सिंह और उनका पूरा परिवार ही ब्रांड एम्बेसडर रहा है चिट फंड कंपनियों का। जिस समय वो मुख्यमंत्री थे तो छत्तीसगढ़ में चिट फंड कंपनियों को बुलाते थे, लोगों का पैसा इन्वेस्ट कराते थे, तो कहीं ना कहीं इसकी पूरी जवाबदारी पूर्व मुख्यमंत्री की है और हमसे जो हो पा रहा है हम लोगों से आवेदन ले रहे हैं उनका जो पैसा है वो रिफंड कराने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही भूपेश बघेल ने कहा है कि मैं किसी प्रकार की कार्रवाई भी नहीं करता, चाहे ईडी हो चाहे आईटी हो, किसी भी रेट पर चाहे, उससे मैं घबराता नहीं हूँ, निश्चिंत हूँ और मैं जनता के बीच जाकर अपनी बातों को रख रहा हूँ। जी रंजन, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए राकेश, क्योंकि हमेशा से ही बीजेपी की अगर बात करें, सरकारी कंपनी का दुरुपयोग करने के, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने के आरोप लगते रहे हैं और उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं सीएम भूपेश बघेल ये कहते नजर आए कि बीजेपी राज्यों में ईडी की कार्रवाई नहीं होती। सीधा सीधा आरोप लगाया है कि जो विपक्ष में है उन्हीं के ऊपर इस तरह की कार्रवाई की जाती है, ईडी की हो आईटी की हो, इनका छापा विपक्ष के नेताओं के ऊपर पड़ता है, पर जिन जगहों पर बीजेपी शासित राज्य है, मुख्यमंत्री है, वहां पे इनका छापा नहीं पड़ता और वहां पे क्या वो सारे नेता मंत्री दूध के धुले होते हैं या जो विपक्ष में सिर्फ उनको ही एजेंसी में कार्रवाई करने के लिए भेजा जाता है। तो एक बड़ा आरोप लगाया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय एजेंसियों पे, भाजपा पे और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए राकेश।
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।